ये टॉपिक एक रह गया था रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग में, काउंटर कंडीशनिंग। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, काउंटर मतलब ऑपोजिट। तो कोई कंडीशनिंग हो चुकी है, उसके ऑपोजिट कंडीशनिंग करनी है। तो ये जो है डी एडिक्शन में जो है बहुत काम में आती है, वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई अल्कोहलिक है और वो जो है अल्कोहल लेने से अपने आप को रोक नहीं पाता है, कोशिश करता है नहीं कर पाता है, तो या छोड़ना भी नहीं चाहता, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो दोनों ही केसेस में जो है हम काउंटर कंडीशनिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, एक मेडिसिन होती है जो डॉक्टर देता है, डॉक्टर जो है वो मेडिसिन पेशेंट को देता है डेली, मतलब पेशेंट खुद खाएगा या तो खुद खा ले, नहीं तो उसके घर वाले भी खिला सकते हैं, इवन उसको खाने में भी मिक्स करके दी जा सकती है, उसको पता ना चले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो मेडिसिन जो है एवरीडे द पेशेंट इज सपोज टू टेक, और उस मेडिसिन का इफेक्ट ये होता है कि जब वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसको वॉमिटिंग, नॉजिया, गिडीनेस, इस टाइप की फीलिंग्स आने लगेगी। तो अब अल्कोहल तो इंसान कंज्यूम करता है प्लेजर के लिए, अच्छा लगे, और यहाँ पे जो है अल्कोहल पीने के बाद में उसको ये सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे हैं जो कि उसको नहीं पसंद है। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं होगी नौसिया, गिडीनेस, वॉमिटिंग, ये सब हो। तो एवरी टाइम द पर्सन टेक्स अल्कोहल ये सिम्टम्स होंगे। तो अब क्या होगा, अल्कोहल के साथ में नेगेटिव वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे। पहले अल्कोहल लेने से उसको अच्छा लगता था, तो पॉजिटिव वाले जो है उसके सिम्टम्स कह लो या उसके इफेक्ट कह लो वो अटैच थे, कंडीशन थे अल्कोहल के साथ में। अब जो है खराब कंडीशंस जो हैं, खराब एक्सपीरियंसेस वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो फिर इंडिविजुअल जो है धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो अल्कोहल के नाम से भी जो है हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, सुन के खराब लगे, तो ऑब्वियसली अल्कोहल लेना बंद कर देगा। तो ये काउंटर कंडीशनिंग में, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि हमें जो इंडिविजुअल को मेडिसिन देनी है वो डॉक्टर के सुपरविजन में देनी है, क्योंकि इसमें मेडिकल कंडीशन का इम्पैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए। जैसे मान लो किसी का हार्ट की कंडीशन है, तो उसको अगर एक्सेसिव जो है वॉमिटिंग वगैरह हुई तो हार्ट पे जोर आ सकता है, डेथ भी हो सकती है, इसलिए इट हैज़ टू बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो एक तो एक काउंटर कंडीशनिंग ऐसी होती है। दूसरा एक काउंटर कंडीशनिंग क्या होती है, इसको एवर्सिव कंडीशनिंग भी कहते हैं, काउंटर कंडीशनिंग को एवर्सिव कंडीशनिंग भी कहते हैं कहीं कहीं। तो एक और जो है होता है इसी में तरीका, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या हो रहा होता है कि इंडिविजुअल को हम जो है एक हायरार्की बनाने को बोलते हैं किसी भी चीज़ की, जिससे कि उसको एंग्जाइटी होती है, फियर है, फोबिया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे लेटर से स्पाइडर का है, तो उसको जो है हायरार्की बनाने के बोला जाएगा कि उसको सबसे लीस्ट फियर कब जनरेट होता है उसके दिमाग में रिलेटेड टू स्पाइडर, फिर उससे नेक्स्ट हायर कब, उससे नेक्स्ट हायर कब, उसके नेक्स्ट हायर कब। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला, जब मुझसे कोई स्पाइडर की बात करता है तो मुझे जो है स्पाइडर से रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है। फिर नेक्स्ट हायर मुझे तब होती है जब जो है मुझे जो है कोई फोटो दिख जाए स्पाइडर की। फिर उससे नेक्स्ट हायर कब होती है, जब मैं कोई वीडियो देख लूँ स्पाइडर का। फिर नेक्स्ट हायर कब होती है, जब मुझे कहीं कमरे में स्पाइडर दिखाई दे जाए। फिर उससे हायर कब होती, तब होती है जब स्पाइडर मुझसे 2-3 फुट की दूरी पे है। और फिर हाईएस्ट कब होती है, जब स्पाइडर मेरे ऊपर गिर जाए। तो ऐसे ये 6 जो है डिफरेंट हायरार्की बना ली स्पाइडर से रिलेटेड एंग्जाइटी की। फिर हम क्या करते हैं, थ्रू एनी रिलैक्सेशन टेक्निक, उस रिलैक्सेशन टेक्निक से हम इंडिविजुअल को एकदम रिलैक्स करवाते हैं, बिल्कुल बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। और फिर हम लोएस्ट लेवल की जो उसकी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग या एंग्जाइटी क्रिएटिंग जो कंडीशन यानी कि स्टिमुलस है, उसको फिर हम जनरेट करते हैं, और ये जनरेट करते हैं मेंटली,
इट इज नॉट डन फिजिकली. अगर फिजिकली कर रहे होंगे तो वो इन वीवो हो गया, लाइव हो गया, और हम थॉट लेवल पे कर रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया. तो इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन भी होता है और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी होता है. तो हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, ना कि इन वीवो की, जो कि लाइव होता है. सो अब बॉडी क्योंकि कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, इसलिए वो जो एंजाइटी प्रोवोकिंग लोएस्ट ऑर्डर की जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है, वो बॉडी में एंजाइटी क्रिएट नहीं कर पाएगा. रीजन ये है कि कोई भी दो ऑपोजिट रिस्पांस बॉडी एक साथ नहीं दे सकती है. जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस है वो ट्रिगर हो रहा होता है. और जब आप कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला जो है सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा होता है. तो ये दोनों एक सिस्टम एक साथ कभी एक्टिवेट हो ही नहीं सकते हैं. या तो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस का होगा और या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला होगा, क्योंकि हमने बॉडी को सिस्टमेटिकली रिलैक्स कर दिया है साइंटिफिकली तरीके से. तो जो लोएस्ट लेवल की एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस है वो फिर जो है फ्लाइट और फाइट रिस्पांस को ट्रिगर नहीं कर पाएगा. तो ऐसा जो है बार बार करने से क्या होगा, फिर अब वो उस स्टिमुलस के साथ में क्या एसोसिएट हो गया, रिलैक्स कंडीशन. तो जब उसको फर्स्ट स्टेप को सक्सेसफुली उसने कर लिया, फिर हम वही चीज नेक्स्ट हायरार्की पे जाते हैं. यानी कि पहले जो है बात करने वाली हुई, फिर फोटो वाली, फिर उसको बोलते हैं दिमाग में फोटो इमेजिन करो स्पाइडर का. तो ऐसे कई बार करेंगे, जब वो ओवरकम कर जाती है बॉडी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, देन थर्ड स्टेप पे जाते हैं कि उसको जो है वीडियो दिखाया जाएगा. फिर जब वो भी हो जाएगा फिर उसके नेक्स्ट स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे, ऐसे हम धीरे धीरे मेंटली उसको लेके जाते हैं. हाईएस्ट स्टिमुलस को एकदम से नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हमने मान लो हाईएस्ट को एकदम से दे दिया और वो हाईएस्ट लेवल का जो स्टिमुलस है उसने जो है जो रिलैक्स बॉडी है उसको एंग्जाइटी प्रोवोक कर दी, तो फिर वो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी. इसलिए हमेशा जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं. ग्रेजुअली जो है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता जाता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी उसके स्ट्रेंथन होते जाते हैं. तो मेंटली, फिजिकली, कॉग्निटिवली वो जो है एट्यून होता जाता है हायरार्की के साथ में. एंड फाइनली जो हाईएस्ट लेवल का जो स्टिमुलस है वो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता है. तो ये जो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन था, और इससे पहले जो मैंने बताया था वो एवर्सिव कंडीशनिंग था. इन वीवो मैंने बता ही दिया, इन वीवो में लाइव हम करते हैं. तो यही चीज़ें हम अगर रियल में करें कि उसको रियल में जो है बात करें उससे स्पाइडर की, उसको रियल में फ़ोटो दिखाएं, उसको रियल में वीडियो दिखाएं, तो ये इन वीवो हो गया. तो जनरली इन वीवो नहीं किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है. अगर बहुत हाई लेवल की कंडीशनिंग ऑलरेडी हो रखी है पहले से, तो इसीलिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या एवर्सिव कंडीशनिंग किया जाता है. तो ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? यस सर. ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये हमने कल पढ़ी लिया था ऑलरेडी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या हो रहा होता है, कि पहले बिहेवियर होता है और स्टिमुलस बाद में आता है. तो ये एक तरह की जो है कॉन्टीजेंसी इंडिविजुअल लर्न कर रहा होता है. कॉन्टीजेंसी का मतलब कंडीशन की पे ये होगा तो फिर ऐसा होगा. कि जैसे बच्चे को बोला कि तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए तो 90% मार्क्स लिया तो मोटरसाइकिल मिल जाएगी. अभी मोटरसाइकिल मिली नहीं, बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उसको कॉन्टीजेंसी समझ में आ गई है कि मोटरसाइकिल मिलने के लिए मुझे इतने परसेंट नंबर लाने और उतने परसेंट नंबर लाने के लिए मुझे पढ़ाई करनी है और इतने घंटे करनी पड़ेगी तब इतने परसेंट नंबर आ पाएंगे. तो ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी. तो सोसाइटी में ऑपरेंट कंडीशनिंग को बहुत यूज़ किया जाता है एट वेरियस लेवल्स फॉर एवरी पर्सन. बच्चे के लिए भी, एडोलेसेंट के लिए भी, एडल्ट के लिए भी, सबके लिए किया जाता है. तो इससे क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल को क्लैरिटी हो जाए इवेंट्स की, कि भाई ये इवेंट होने पे ये होगा, तो एक उसको जो है कंसिस्टेंसी समझ में आ जाएगी कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए.
तो ये कॉन्टिजेंसी इटसेल्फ क्लैरिटी होने से मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किस बिहेवियर से क्या होने की, ये जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना वो बिहेवियर रीइन्फोर्स होगा. तो दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, कल भी हमने बात की थी. देन आता है रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट. तो इसमें जो है दो तरह की चीजें की बात की गई है, इनको ध्यान से समझना है एक एक करके, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. ये कॉन्सेप्चुअली लोगों को क्लियर नहीं होता है, दे जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. लोग बाग जो है पनिशमेंट को पॉजिटिव पनिशमेंट क्या आता है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या आता है, ये समझ में नहीं आता है. तो पहले रीइन्फोर्समेंट का मतलब समझो. रीइन्फोर्समेंट का मतलब होता है रीइन्फोर्स्ड, मतलब किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना. सो व्हेन यू स्ट्रेंथन एनीथिंग दैट इज रीइन्फोर्समेंट. अब वो रीइन्फोर्समेंट का नॉर्मली लोग हमेशा ही सोचते हैं कि पॉजिटिव ही होता, नहीं, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट भी होता है, वो आगे हम बात करेंगे अभी. तो इसमें क्या हो रहा होता है रीइन्फोर्समेंट में, हम कोई भी चीज जो है जो हम चाहते हैं कि हो उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है. अब और जो कोई चीज हम नहीं चाहते हैं वो हो उसको हम वीक बनाएंगे. तो वीक या स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं, या तो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है, ठीक है. अब पॉजिटिव का मतलब होता है कोई चीज ऐड करना, और नेगेटिव का मतलब होता है किसी चीज को कम करना. तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का मतलब हुआ कि कोई चीज जो इंडिविजुअल को चाहिए वो चीज जो है हम बढ़ाएं, तो वो हो गया पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट. कि भाई उसको जो है सपोज बच्चे को चॉकलेट पसंद है, तो उसने कोई काम किया और वो हमने जो है उसको चॉकलेट दी, तो ये हो गया पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, मतलब वो बिहेवियर बार बार करेगा. नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में क्या होता है कि हम कोई चीज जो उसको चाहिए होती है उसको कम कर रहे थे. नेगेटिव का मतलब कम करना, माइनस करना. तो कोई चीज जो उसको चाहिए होती है वो हम कम कर रहे होते हैं ताकि वो डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ जाए. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को खेलना बहुत पसंद है, खेलने में उसको अच्छा लगता है, तो खेलना कैन एक्ट एज रीइन्फोर्सर. लेकिन अगर मान लो कोई चीज हमें बच्चे से करवानी, बच्चा कर नहीं रहा है, और हम उससे बोले कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर जो है हम तुम्हारा खेलने का टाइम कट डाउन कर देंगे, वो खेलना चाहता है, हम कट डाउन कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव. तो ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट हो गया, तो उससे वो अनडिजायर्ड बिहेवियर को नहीं करेगा, डिजायर्ड बिहेवियर को करेगा, जो हमने बोला ये करो वो करेगा. सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट ऐसे होता है. इसमें डिजायरेबल स्टिमुलस को या तो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा. बढ़ाया गया तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट हो गया, और डिजायरेबल स्टिमुलस को घटाया गया तो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट हो गया. लाइकवाइज पनिशमेंट है, पनिशमेंट अगर बढ़ाया गया है, पनिशमेंट मतलब अनडिजायरेबल एवर्सिव स्टिमुलाई, पनिशमेंट जो है अगर बढ़ाया गया तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट है, और पनिशमेंट अगर घटाया गया तो वो नेगेटिव पनिशमेंट है. एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को जो है सपोज आपने जो है कोई ऐसी चीज जो है खड़े होने को बोला, उसने कोई काम किया, आपने बोला खड़े हो जाओ, तो ये अब खड़ा होना तो डिजायरेबल स्टिमुलस नहीं है, तो काइंड ऑफ पनिशमेंट है. या आपने डांट भी दिया, वो भी जो है कोई नहीं चाहता कि उसको डांटा जाए, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया. यू आर एडिंग सम अनडिजायरेबल स्टिमुलस विच इज एवर्सिव टू द इंडिविजुअल. और नेगेटिव पनिशमेंट में हम अनडिजायरेबल स्टिमुलस को कम कर रहे होते हैं. कैसे, कि मान लो हमने जो है उसको खड़ा कर रखा था, कि हम डेली उसको खड़ा कर देते थे, जब तक याद नहीं होगा खड़ा हम करके रखेंगे, जिस दिन सुनाओगे उस दिन बैठने को देंगे. तो अब जो अनडिजायरेबल स्टिमुलस को हमने रिड्यूस कर दिया कि खड़ा नहीं रहोगे, बैठ जाओगे, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट हुआ, मतलब अनडिजायरेबल चीज को हम कम कर रहे हैं. सो इन्हीं चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि डिजायरेबल स्टिमुलस को बढ़ाना घटाना या अनडिजायरेबल स्टिमुलस को बढ़ाना घटाना,
इनके जरिए जो है हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं। सो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी लोगों को नहीं होती है नॉर्मली मैंने देखा है। देन हाँ, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर मतलब कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो इसमें पहली टेक्निक इन्होंने बताई है स्टिमुलस कंट्रोल। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई का मतलब है ऐसा स्टिमुलस जो कोई रिस्पॉन्स को क्यू करे, क्यू मतलब सजेस्ट करे कि ये करना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बिहेवियर एलिसिट नहीं करता है, कंडीशनड स्टिमुलस ही एलिसिट करता है कंडीशन रिस्पॉन्स को। बट हम ये देखते हैं कि बिहेवियर ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है कि अगर कोई चीज़ क्यू करे उसको, ऑपरेंट बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई जो कि क्यू कर रहा है बिहेवियर को, इसको ऑल्टर करें तो फिर जो है उसमें बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। तो पहला क्यू क्या हो सकता है, मतलब पहला अप्रोच क्या हो सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई है वो क्या क्यू करेगी, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको रिमूव करने के लिए करें। जैसे कि इंडिविजुअल को स्मोकिंग छोड़नी है, तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए इसमें अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिमूव करने के लिए क्यू क्या हो सकता है कि जैसे एस्ट्रे है वो हटा दी जाए टेबल से, ये इट्स एन इंडिकेशन कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी, ये क्यू है। तो दूसरा है जैसे कि कोई वेट रिड्यूस करना चाहता है लेकिन वो मीठे का बड़ा शौकीन है, तो ऑफिस से घर में आते हैं रास्ते में पेस्ट्री शॉप पड़ती है, पेस्ट्री खा लेता है। तो ये जो पेस्ट्री शॉप है वो क्यू है अनडिजायरेबल बिहेवियर का, उसको देख के जो है अर्ज होती है और खा लेता है। तो हम उसको आने जाने का रूट ऐसा करते हैं जिसपे पेस्ट्री शॉप नहीं पड़ती है, तो फिर ये जो क्यू जो है अनडिजायर्ड बिहेवियर का ये रिमूव हो जाएगा। दिस इज अप्रोच वन। सेकेंड अप्रोच इज नैरोइंग। नैरोइंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम किसी चीज को नैरो कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो जो बुक में एग्जाम्पल दिया पहले एक ही देता हूँ, देन आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, कि उसको जो है खाने का बड़ा शौक है जिसकी वजह से वो वेट गेन हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब वो जैसे टीवी देखते में भी खाता है, किताब पढ़ते में भी खाता है, कभी कोई ड्रिंक ले रहा है वहाँ पे भी खाता है, सोशलाइजिंग के टाइम भी खाता है। तो ये सब जो है इतने सारे क्यूज उसकी लाइफ में है खाने के लिए। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि भाई हम उसे कहेंगे ठीक है तुम्हें खाना है ना खाओ, लेकिन कोई सा भी एक सिचुएशन चुन लो जिसमें तुम्हें खाना है, या तो रीडिंग के टाइम में, या टीवी देखते में, या ड्रिंक लेते में, या सोशलाइजिंग करते में। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है फिर अगर सिर्फ चार में से एक ही सिचुएशन में खा रहा तो ऑब्वियसली अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा उसका खाना। फिर एक और भी हो सकता है कि वो सिगरेट जो है वॉशरूम में भी पीता है, बेडरूम में भी पीता है, ड्राइंग रूम में भी पीता है, घर के बाहर भी खड़े होकर पीता है। तो हम उससे कहेंगे कि भाई ऐसा करो, दोस्तों के साथ भी पीता है लेटेस्ट से, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा करो तुम जब केवल दोस्तों से मिलो तभी सिगरेट पियो। तो क्योंकि दोस्तों से कोई 24 घंटे तो मिलता नहीं है, तो उसका जो है नैरोइंग डाउन हो जाएगा कि दोस्त मिलते हैं तो क्यों होता है उसका सिगरेट वाला, कि स्मोकर्स हैं उसके दोस्त, वो स्मोक करते हैं तो इसको क्यों होता है अनडिजायर्ड बिहेवियर का। तो लेकिन कम से कम बाकी सिचुएशन से तो रिमूव हो गया, तो ये नैरोइंग डाउन हो गया। ये दोनों अप्रोच समझ में आई ना? यस सर। ठीक है, और ये भी हो सकता है एलिमिनेटिंग जो मतलब जो क्यूज है डिफरेंट वाले वो कंबाइन भी किया जा सकते हैं। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट सोफा पर बैठता है,
पढ़ता भी वहीं पे है, खाता भी वहीं पे है, म्यूजिक भी वहीं सुनता है, बातों भी दोस्तों से वहीं करता है। तो अब ये जो सोफा पे बैठने से उसको क्या होगा कि ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो इनकम्पैटिबल होंगे आपस में, जैसे कि पढ़ना उसमें फोकस का काम है, और जो है दोस्तों से गपशप करना उसमें कोई फोकस की जरूरत नहीं ज़्यादा, तो ये इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसे कहें कि भाई अच्छा तुम ऐसा करो कि जो पढ़ने के लिए जो है एक स्पेसिफिक जगह बना लो, सोफे पे मत पढ़ो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और अगर मान लो जैसे कि कोई पेशेंट है कि इतना पैसे वाला नहीं है कि उसके घर में कई कमरे हैं, तो इवन सेम कमरे में भी उसको बोलो कि अच्छा एक पर्टिकुलर जगह फिक्स कर लो कि पढ़ाई यहीं बैठ के करोगे, तो भी जो है इट वर्क्स। देन थर्ड अप्रोच ये है कि हम कोई ऐसी स्टिमुलस, ऐसे स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करें जो अनडिजायर्ड बिहेवियर को इनहिबिट करे। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे किसी को वेट लूज करना है, तो ऐसे पिक्चर्स या फोटोज या कोटेशंस रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पे, गेट पे लगा दे, डोर पे लगा दे, जो कि उसको अनडिजायर्ड बिहेवियर यानी कि खाने से रोके। इट कुड बी एनीथिंग, डिपेंड करता है किसको क्या सूट करता है। एक दूसरा एग्जांपल दिया, ये भी अच्छा है। क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज डिक्लेयर कर दी सबके सामने कि हम अब मैं ये करने वाला हूँ, है ना, जैसे कि मैंने कहा कि अब मैं जो है स्मोकिंग छोड़ने वाला हूँ, नॉट छोड़ने वाला हूँ, छोड़ दी मैंने, आज से स्मोकिंग छोड़ दी। तो अब ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों के सामने मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि आई हैव क्विट स्मोकिंग, तो उनके सामने मैं सिगरेट नहीं पी पाऊंगा क्योंकि मैंने उनके सामने कमिटमेंट दिया हुआ ना। तो ये जो हमारे अनडिजायर्ड बिहेवियर को सप्रेस करेगी ये चीज कि मेरा जो डिक्लेरेशन कि नाउ आई हैव क्विट स्मोकिंग। तो तीसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम ऐसा है स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करें जो कि उसके जो अनडिजायर्ड बिहेवियर उसको सप्रेस करें। देन आता है इंक्रीजिंग डिजायरेबल बिहेवियर। इसमें मैंने रीइंफोर्समेंट तो बता ही दिया है कि वी विल गिव दो स्टिमुलाई, स्टिमुलाई जो उसको प्लेजेंट लगे, तो ऑब्वियसली जो प्लेजेंट लग रहे हैं तो फिर वो करेगा। जो लॉ ऑफ इफेक्ट वाली जो थॉर्नडाइक का था कि वो जो कर रहा है एक्टिविटी उससे उसको फायदा हो रहा है तो फिर वो करता ही रहेगा उस चीज को। और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस चीज़ से उसको फायदा हो रहा है वो कम कर दी जाए, अगर वो डिजायर्ड बिहेवियर नहीं कर रहा है तो उससे जो डिजायर्ड बिहेवियर बढ़ जाएगा। दोनों ही तरीके अपना सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। और जो किसी को प्रेज करना जो है ये एक बहुत कॉमन और पावरफुल जो है रीइन्फोर्सर है, ये हमेशा ध्यान रखना। पीपल जनरली फेल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रेज। आप किसी की तारीफ करेंगे, किसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसके अचीवमेंट्स पे, डेफिनेटली इंडिविजुअल को अच्छा लगता है, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। हाँ ये जरूर है कि जो बड़े बच्चे छोटे बच्चे के चेहरे पे एकदम से दिख जाता है कि आपने तारीफ की उसको अच्छा लगा, बड़े जो है थोड़ा अपना इमोशंस को सप्रेस करना जानते हैं, लेकिन अंदर से हर एक को अच्छा लगता है जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे बढ़िया कोई रीइन्फोर्सर है ही नहीं प्रेज से अच्छा। तो दिस कैन बी ए वेरी गुड रीइन्फोर्सर। हाँ ये है कि इसको अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। अप्रोप्रिएटली का मतलब हुआ कि आप जब प्रेज करें तो उसको लगना चाहिए कि आपने वाकई में प्रेज किया है, कि ऐसे भाई चलते फिरते बोल दिया है या फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं। दूसरा उसको ये भी लगना चाहिए कि हाँ वाकई में उसने जो काम किया वो प्रेज के लायक है। अगर आप मामूली सी ऐसी बातों के लिए प्रेज कर रहे हैं जो कि कोई अचीवमेंट है ही नहीं किसी भी एंगल से, तो फिर उसको फिर उस प्रेज की कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी। तो ये अगर हम प्रॉपरली यूज करें तो एक बहुत अच्छा रिइंफोर्सर है। उसकी खासियत बात ये है कि ये लगभग हर सेटिंग में यूज किया सकता है, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम हो या कोई बड़े बिजनेसेस का कॉरपोरेट हाउस हो, वहां पे हर जगह। तो एक और रीइन्फोर्सर जो बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में यूज होता है वो है मनी, पैसा।
अब ये समझना होगा कि जो मनी है इसकी इन इटसेल्फ कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब अगर हमारे पास में पैसा आ जाए तो ये थोड़ी कि हम हमको कुछ मिल गया ऐसी चीज जो कि हमारे को डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है। पैसे के जरिए चीजें हमको मिल रही हैं, जैसे कि हमें घर खरीदना है वो पैसे से मिलेगा, गाड़ी वो पैसे से, शादी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे से हमारी दूसरी जो है जरूरतें पूरी हो रही है। तो ये प्राइमरी रीइन्फोर्सर नहीं है मनी, मनी सेकेंडरी रीइन्फोर्सर है कि इनडायरेक्टली हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है या इनडायरेक्टली उन स्टिमुलस को हमारे लाइफ में ला रहा है जो हमारे लिए डिजायरेबल है। पर ये बहुत ही जबरदस्त रीइन्फोर्सर है अपार्ट फ्रॉम प्रेज। खाली प्रेज से काम नहीं चलेगा, रियल लाइफ में मनी भी जरूरत होती है, लेकिन खाली मनी से भी काम नहीं चलेगा। एक लिमिट के बाद में आदमी को पैसे की जरूरत है या नहीं और बढ़ गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा होता है। फिर हाँ, एक ये भी है, ये जो है इंडिविजुअल को हर इंडिविजुअल को मेरे हिसाब से आना चाहिए, सीखना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो है, उसे कहते हैं सेल्फ रीइन्फोर्समेंट। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो हमने रीइन्फोर्समेंट की बात की थी, वो रीइन्फोर्समेंट की बात हमने की थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट से हमको क्या मिल रहा है। अब सेल्फ रीइन्फोर्समेंट में क्या है, हम खुद को रिवॉर्ड या पनिशमेंट कर रहे होते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई टारगेट रखा कि ये चीज मुझे इतने टाइम में फिनिश कर देनी है, लेट अस से कि कोई असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट मैंने 3 दिन में फिनिश कर देना, ये मैंने टारगेट बनाया। तो हम सेल्फ रिइंफोर्समेंट करें कि अगर हमने उसको टारगेट को अचीव कर लिया तो नाउ वी गो एंड वॉच ए मूवी, या दोस्तों के साथ जाके फिर चिट चैट किया, या जाके बाहर कुछ खाना खाया। तो ऐसे हम सेल्फ रिइंफोर्समेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेल्फ पनिशमेंट भी कर सकते हैं कि अगर हमने जो है अपनी लापरवाही की वजह से उसको टाइमली कंप्लीट नहीं किया है तो नाउ आई विल नॉट वॉच एनी मूवी फॉर नेक्स्ट 15 डेज, या आई विल नॉट गो फॉर एनी पार्टी फॉर नेक्स्ट 15 डेज, तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी जो है रीइन्फोर्समेंट किया जा सकता है, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ूँ मैं। यस सर। ठीक है, अब नाउ स्ट्रेटजीज फॉर इनिशिएटिंग बिहेवियर। सबसे पहली बात यह है टू रीइन्फोर्स डिजायरेबल बिहेवियर, द बिहेवियर मस्ट फर्स्ट अकर। इसको समझो, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। अगर कोई सिमलेस जो कि इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, मैं बात कर रहा हूँ प्लेजरेबल सिमलेस की, अगर कोई प्लेजरेबल स्टिमुलस है जो इंडिविजुअल ने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो उसके जरिए आप फिर रीइन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने कभी चॉकलेट खाई ही नहीं है तो आप उसे चॉकलेट का लालच दे के उसको कोई काम करवा ही नहीं सकते, उसे पता ही नहीं चॉकलेट से होता क्या है। तो उसको उस स्टिमुलस का पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे और एग्जाम्पल इसमें जो दिया है वो भी बड़ा अच्छा है, जैसे कैटाटोनिक पेशेंट्स होते हैं, तो वो जो है मान लीजिए कि कोई ऐसा कैटाटोनिक पेशेंट है उसे 5 साल से बात ही नहीं करी है, और आप जो है उसको बोलो कि अगर आप बात करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, तो जब उसने किया ही नहीं है बातचीत 5 साल से, तो आप वो कैसे उस बिहेवियर को करवा सकते हो, उससे नहीं होगा। तो वो बिहेवियर उसने किया हुआ होना चाहिए। जैसे आप किसी बच्चे को बोल भी दो, जैसे 6th क्लास का बच्चा है, उसको बोल दो कि तुम ये कैलकुलस का सवाल जो है सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे को जो तुम कह रहे हो मिल जाएगी चीज़। अब 6th क्लास के बच्चे को कैलकुलस आती ही नहीं तो कहाँ से सॉल्व कर लेगा, कर ही नहीं सकता है। तो वो बिहेवियर जो है अकर किया हुआ हो, और दूसरा उस स्टिमुलस का उसे कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो उसको लगना चाहिए कि प्लेजरेबल है, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर वो बिहेवियर वो उसने कभी किया ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा एकदम से, और वो स्टिमुलस उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है तो भी वो बिहेवियर क्यों करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं। फिर इसी क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो बिहेवियर उसने किया ही नहीं वो कैसे कर लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि करवाया नहीं जा सकता, बिल्कुल करवाया जा सकता है, उसका तरीका होता है, लेकिन वो
डिफरेंट तरीका होता है। वो तरीका क्या है, उसे कहते हैं शेपिंग। शेपिंग में क्या होता है कि जो टारगेट बिहेवियर जो हम चाह रहे हैं, कैसा बिहेवियर हो, गोल हमारा ये है कि ऐसा बिहेवियर अल्टीमेटली हो जाए, और अभी वो बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उस जो अल्टीमेट बिहेवियर हम चाहते हैं उससे एक एक स्टेप पीछे आते जाएं, मतलब उसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकअप कर दें कि पहला स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे करके जितने छोटे छोटे स्टेप में हम डिवाइड कर सके उतना अच्छा है। और फिर फर्स्ट स्टेप करवाएं पहले उससे, जब वो फर्स्ट स्टेप करे तो फिर उसको रिवॉर्ड किया जाए। अभी वो कहीं आसपास भी नहीं पहुंचा डिजायरेबल बिहेवियर के, अभी सिर्फ उसने फर्स्ट स्टेप लिया है, फिर उससे हम सेकंड पे ले जाएं, फिर थर्ड पे ले जाएं, तो इस तरह क्या हो, सक्सेसिवली मतलब लगातार, अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग जो फाइनल बिहेवियर की तरफ वो जा रहा है, तो हर स्टेप जो है उसको लगातार फाइनल बिहेवियर की तरफ ले जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और हर स्टेप पे जो है हम उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं या पनिशमेंट जो भी हो सकता है वो भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक से जो है इवन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज सिखाई जा सकती है, जैसे जू में देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन कि शेर जैसा जानवर जो है वो आके स्टूल पे बैठता है, एक स्टूल से दूसरे स्टूल पे जंप मारता है, फिर वो आग लगे हुए जो गोले से बीच में से निकलता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करता है शेर, जो कि उसके नॉर्मल बिहेवियर में होता ही नहीं है, जंगल में ये चीज़ें कर ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से ही कराई जाती हैं। तो ये है देन हाँ, तो वो स्मॉल स्टेप्स वाली इसमें की चीज़ है, स्मॉल स्टेप्स हमने कर रखने हैं। नेक्स्ट आता है मॉडलिंग, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। मॉडलिंग में क्या होता है कि जो डिजायर्ड बिहेवियर कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है तो उसको उस माहौल में या उन लोगों के साथ में रखा जाता है जो कि वो बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो उनको देख देख के जो है अपने आप ही वो बिहेवियर करने लग जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है उसको स्लाइड्स पे जाने से डर लगता है, तो आप उसको कोई जरूरत नहीं कि उसको जबरदस्ती स्लाइड पे ले जाके ऊपर से उसको छोड़ें, उसका डर दूर करें, उसको मोटिवेट करें, आप उसको ऐसे 10-15 बच्चों के साथ में छोड़ दो जिनको स्लाइड्स पे बहुत जाना पसंद हो, वो उनके साथ खेलता रहेगा और देखता रहेगा कि ये लोग स्लाइड पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कितने खुश हैं, हंस रहे हैं, तो उसको भी लगेगा कि ये जो कर रहे हैं ये खुशी मुझे भी मिलनी चाहिए, और वो देखेगा कि ये लोग कर रहे हैं बड़े इजीली कर रहे हैं, तो उसके मन में ये फीलिंग आएगी इफ दे कैन डू व्हाई कांट आई, तो वो धीरे धीरे जो फिर स्लाइड के पास में जाएगा, फिर चढ़ेगा भी, फिर ऊपर से जो है धीरे धीरे करके पकड़ पकड़ के सरकेगा भी, फिर एकदम मस्त होके करने लग जाएगा जैसे बाकी के बच्चे कर रहे हैं। तो ये भी मॉडलिंग है। एक मॉडलिंग ये भी होती है जैसे क्लास में टीचर जो है किसी बच्चे को प्रेज करे किसी काम के लिए, फॉर एनी गुड बिहेवियर, तो अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली प्रेज, मैंने बोला ना हर एक को अच्छी लगती है, तो वो प्रेज पाने के लिए वो भी उसी एक्शन को इमिटेट करेंगे, वही काम करेंगे जो उसने किया है जिसको प्रेज मिली है, और ऑब्वियसली उनको जब वो काम करेंगे प्रेज मिलेगी तो बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाएगा। तो ये भी है, ये दोनों जो है एग्जांपल्स मैंने दिए, ये मॉडलिंग के एग्जांपल थे। देन आता है फेडिंग। फेडिंग भी एक टेक्निक है। फेडिंग में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो है हम पहले सेफ और एकदम ऐसे एनवायरनमेंट में बिहेवियर करवाएं जहाँ पे इंडिविजुअल इस बिहेवियर को कर ले, जैसे लेट अस से पब्लिक स्पीकिंग है, सबके सामने खड़े होके बोलने में हर एक की हिम्मत नहीं होती है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में घबराहट होती है, तो हम जो है उसे पहले जो है घर में जहाँ पे कि सब फ्रेंडली अपने परिवार के लोग हैं, सब एनकरेज करने वाले हैं, उनमें से एक दो को रख के और उसको बोलेंगे हाँ यहाँ प्रैक्टिस करो, तो क्योंकि यहाँ पे सब फेवर करने वाले हैं, घर का माहौल है, रिलैक्स्ड है, तो वो ग्रेजुअली कर लेगा। फिर जो है हम उसको बोलेंगे अच्छा यही स्पीच जो तुमने अभी हमें हमको दी है, अब ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के दो, फिर वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के देगा बच्चा। फिर जो है हम उसको
घर में ही क्लासरूम की तरह सेटअप करेंगे चेयर टेबल को, फिर वो देगा, फिर हम हो सकता है उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो है उसके क्लास में पढ़ते हैं उनको बुलाएं घर पे, फिर उस क्लासरूम सेटअप में जो है जो घर में हमने बनाया है उसको बोले अब स्पीच दो अपने फ्रेंड्स के सामने, जो फ्रेंड्स हैं तो रिलैक्स रहेगा। ऐसे धीरे धीरे जो है जो एनवायरनमेंट है वो हम चेंज करते जा रहे हैं लाइक क्लासरूम। फिर हो सकता है हम अगर पॉसिबल हो तो टीचर को भी घर पे बुला लें कि अब दो, फिर जब ऐसे करते करते फिर फाइनली बिल्कुल रेडी हो जाएगा बच्चा क्लासरूम एनवायरनमेंट में अपनी स्पीच देने के लिए। तो इसमें हम यही कर रहे होते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसको शेप कर रहे होते हैं टूवर्ड्स जो जैसे एनवायरनमेंट में हमको फाइनली डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए उसकी तरह। तो जो फीडिंग में क्या होता है स्टिमुलस की तरफ जो है अप्रोक्सीमेशन होता है, और जो अभी हमने बात करी थी पीछे जो लॉयन वाली जो हमने बात करी थी जिसमें कि मैंने ये बताया था शेपिंग वाला, शेपिंग में बिहेवियर का अप्रोक्सीमेशन होता है और फीडिंग में स्टिमुलस का अप्रोक्सीमेशन होता है, ये की डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Okay, then comes punishment. ये हम बात ही कर चुके हैं पनिशमेंट में, ये अनडिजायरेबल स्टिमुलस होगा तो ऑब्वियसली जो है इंडिविजुअल वो अनडिजायर्ड बिहेवियर को नहीं करेगा और डिजायर्ड बिहेवियर को करेगा। हाँ, पनिशमेंट में जो है कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तभी पनिशमेंट इफेक्टिव होगा वरना पनिशमेंट भी इफेक्टिव नहीं होगा। क्या क्या होना चाहिए पनिशमेंट में? सबसे पहली बात कॉन्टीजेंसी क्लियर होनी चाहिए कि ये करोगे तो ये होगा। अगर कॉन्टीजेंसी क्लियर नहीं होगी तो इंडिविजुअल जो है फिर उसको कंफ्यूज रहेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने करना क्या है। कितना भी पनिशमेंट दे लो अगर उसको जो है कॉन्टीजेंसी नहीं समझ में आ रही है तो नहीं आ रही है। तो कॉन्टीजेंसी जब वो समझ जाए तभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए पहली बात। दूसरी बात कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम बिहेवियर सेम पनिशमेंट, चाहे जितनी बार करे सेम पनिशमेंट। तो कंसिस्टेंसी होने से भी जो है इंडिविजुअल को पता चलता है कि मुझे ये बिहेवियर करना है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो भी रूल टेस्टिंग करता है। रूल टेस्टिंग में क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके जो है रिलैक्स कर रहा होता है अपने आप को, रिलैक्स इन द सेंस रूल्स को लूजन कर रहा होता है, जो रूल्स कॉन्टीजेंसी बनाई है उनको बहुत माइनर सा उसमें इन्फ्रैक्शन करेगा, इन्फ्रैक्शन मतलब उसको तोड़ेगा रूल को थोड़ा सा छोटा सा, ये देखने के लिए कि वो टॉलरेट किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो जहां तक टॉलरेट किया जाएगा वहां तक वो रूल्स को तोड़ता जाएगा, और जहां पे आप जो है स्ट्रिक्ट हो जाओगे उसके आगे नहीं तोड़ेगा, इसे कहते हैं रूल टेस्टिंग। तो आप पनिशमेंट की जब कंटीजेंसी कोई भी कभी भी बनाओगे तो जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उसमें रूल टेस्टिंग वो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो जैसे ही वो रूल टेस्टिंग करेंगे उनको पता चलेगा भाई रूल तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इससे भी उनको जो है पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरी चीज पनिशमेंट जिस कंडीशन पे हम दे रहे हैं उसका अल्टरनेटिव बिहेवियर भी बताना चाहिए हमारे को कि भाई ये नहीं ये करना है, खाली ये नहीं करना है से काम नहीं चलेगा, ये नहीं करना ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं चलेगा। ये नहीं करना है और साथ में ये बताना है कि ये करना है अल्टरनेटिव बिहेवियर। तो तीसरी चीज ये है कि अल्टरनेटिव बिहेवियर होना बताना जरूरी है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है पनिशमेंट के साथ में कि जो अल्टरनेटिव बिहेवियर है उस पर रिवॉर्ड भी किया जाए। एक तरफ तो प्लेजेंट स्टिमुलस मिल रहा है और एक तरफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस मिल रहा है, तो वो और ज्यादा जो है मैग्नीफाई हो जाती है चीज कि भाई प्लेजेंट स्टिमुलस जब अवेलेबल है तो उसको क्यों नहीं लें हम, बच्चे के दिमाग में ये आएगी बात। सो ये चार चीजें जो है पनिशमेंट में हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कॉन्टीजेंसी क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी पनिशमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव बिहेवियर बताना चाहिए, पनिशमेंट के साथ में रिवॉर्ड होना चाहिए। ये चार कंडीशन होने पे ही पनिशमेंट इफेक्टिव होगा वरना पनिशमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। ये पनिशमेंट वाली बात समझ में आ गई? Yes, sir. Then comes guidance. Guidance में क्या है?
फिजिकली एडिंग द पर्सन टू मेक सम रेस्पॉन्स. सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं. जैसे अगर उसको ओसीडी वाला कोई इंसान है तो उसको जो है हम गाइड करें कि देखो तुम्हें इस चीज से टेबल को टच करने से डर लगता है, टच करो कोई बात नहीं, देखो मैंने भी टच किया कुछ नहीं होता है. उसको गाइड करें कि क्या करना है एग्जैक्टली. तो ये जनरली जहाँ मैनुअल स्किल्स वाली बात आ जाती है तो वहाँ पे है. जैसे कि कोई साउंड निकालनी है बच्चे को, कोई प्रोनाउंसिएशन करना है, तो प्रोनाउंसिएशन जो है हम उसको बोलें कि देखो टंग को ऐसे रखो, लिप्स को ऐसा बनाओ, तो वो जो है हम उसको गाइड करेंगे. अब देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब क्या क्या वेरिएबल्स है जिनको वेरी करने से रीइंफोर्समेंट में फर्क पड़ेगा. तो सबसे पहला है अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट. जितना रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगा उतना जितना स्टिमुलस ज्यादा होगा उतना रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगा. जैसे किसी को पैसा चाहिए सपोज, तो जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ज्यादा बिहेवियर रीइंफोर्स होगा. सिंपल सी बात है. फिर दूसरी चीज आती है डिले ऑफ रीइंफोर्समेंट. जो डिजायरेबल बिहेवियर करने के जितना जल्दी रीइंफोर्समेंट दिया जाए उतना अच्छा है, इमीडिएटली दिया जाए तो और भी अच्छा है. तो वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि डिजायरेबल बिहेवियर हुआ अब और 6 महीने बाद उसका रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसका सब खत्म हो जाता है रीइंफोर्समेंट, वो रहती नहीं है बात. ठीक है. सो द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द रीइंफोर्समेंट अकर्स राइट आफ्टर द बिहेवियर. और हमेशा जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा ही जरूरी नहीं है, शाबाशी भी, अच्छा बिहेवियर इमीडिएटली वहां पे तारीफ कर दी, ये भी रीइंफोर्समेंट हो गया. तो डिले नहीं करना है. फिर तीसरी चीज है स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या है कि दो तरह के हो सकते हैं. एक तो हम एक पर्टिकुलर स्केड्यूल जो है कंसिस्टेंटली फॉलो करें कि हर बार जो है जब बिहेवियर होगा हर बार हम रीइंफोर्समेंट करेंगे. ठीक है, ये भी एक हम तरीका अपना सकते हैं. तो इसमें जो है बिहेवियर बहुत तेजी से रीइंफोर्स होता है, तो इसे इस टेक्निक को कहते हैं कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट. कि मतलब हर बार जब बिहेवियर हो हम उसको रीइंफोर्स करें, दैट इज कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट. तो जब कोई नया बिहेवियर हमको रीइंफोर्स करना होता है तब हमें इसको अपनाना चाहिए. तो जब हम देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बिहेवियर जो है अब होने लग गया है ना, कंसिस्टेंटली होने लग गया है, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हम कर सकते हैं. इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या है कि अब हम हर बिहेवियर पे नहीं करेंगे उसको, कभी 2 बिहेवियर के बाद में, कभी 3 बिहेवियर के बाद में, कभी 4 बिहेवियर के बाद में, ऐसे धीरे धीरे हम गैप बढ़ाते जाएंगे. तो हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, कंटिन्यूसली नहीं करेंगे. अब उसमें कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया, इनिशियली वो गैप कम होगा, फिर धीरे धीरे गैप को बढ़ाते जाएंगे. तो इससे क्या है कि अब क्योंकि इंडिविजुअल को एक कोई पर्टिकुलर स्केड्यूल नहीं समझ में आएगा कि कितने बार मुझे करने के बाद में रिवॉर्ड मिलेगा, तो इस उम्मीद में कि हो सकता है इस पर्टिकुलर बिहेवियर के इस बार करने से मिल जाए, इस बार मिल जाए, वो करता रहेगा. तो कोई बिहेवियर स्टार्ट करने के लिए कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज गुड, और कोई बिहेवियर मेंटेन करने के लिए इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट इज बेटर. दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब फैसिलिटेटिंग जनरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. सो जो ऑपरेंट प्रोग्राम है वो किसी पर्टिकुलर सेटिंग में ही होता है, जैसे कि वो स्कूल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, क्लासरूम में भी हो सकता है. तो हम ये चाहते हैं कि ये बिहेवियर जो हमने जहाँ सिखाया है उसको ये मेंटेन रहे और ये और एनवायरमेंट्स में भी और सेटिंग्स में भी हो. तो ये जो हमने बिहेवियर जनरेट किया है इसको कैरी ओवर करवाना जरूरी होता है.
तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तो हमने बात की थी फेडिंग की, तो फेडिंग से भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने कोई क्लिनिकल सेटिंग में कोई बिहेवियर को रीइंफोर्स करा दिया, अब वो क्लिनिकल सेटिंग में तो करा दिया लेकिन उसको जो है रियल लाइफ की, जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको तो स्कूल सेटिंग में जो है करना होगा उस बिहेवियर को, तो हम फेडिंग को अपना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई हम स्पेसिफिक रीइंफोर्सर जो है जो इंडिविजुअल का है उसको भी हम कंटिन्यू करें बाद में दूसरी सेटिंग्स में, तो वो भी एक जो है दूसरी सेटिंग्स में कंटिन्यू कर सकता है, जैसे सपोज शाबाशी कहना है किसी को, वेल डन कहना है, ये तो किसी भी सेटिंग में किया जा सकता है। तो इस तरह से वो जो रीइंफोर्सर है वो अगर हम ऐसा चुने कि वो हर सेटिंग में जो है हो सके तो भी जो है वो जनरलाइज और मेंटेन हो जाता है बिहेवियर। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक और तरीका जो अभी मैंने बताया कि वो जो रीइंफोर्सर है वो नेचुरल सोशल एनवायरनमेंट का होना चाहिए, यानी कि वो पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है नेचुरल सोशल एनवायरनमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैंने प्रेज का बताया, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वहां पे हर जगह ये प्रेज वाला स्टिमुलस तो अवेलेबल है ही है, ठीक है। तो अगली बात ये है कि जब जिस एनवायरनमेंट में हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जनरलाइज करवाना चाह रहे हैं या मेंटेन कराना चाह रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनको भी हम शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में। उससे क्या होगा कि वो वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा रीइंफोर्समेंट, तो उनको इंडिविजुअल को फायदा होगा और वो इजीली बिहेवियर को कैरी ओवर करेगा और मेंटेन भी करेगा। अब इसके ना कई क्रिटिसिज्म भी हैं जो हमने अभी तक बात करी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, कि ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि भाई अगर वो हर बार कुछ करेगा और हम उसको कुछ देंगे तो इट इज़ समथिंग लाइक ब्राइबरी, रिश्वत जैसे दे रहे हैं, तो फिर वो इंसान जो है बिना उस चीज़ कोई रीइंफोर्समेंट के करेगा ही नहीं काम। जैसे बच्चों को याद है, अगर बचपन से डाल दिया ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, फिर वो बड़े होके भी उनको जो है ये चीज़ रह जाती है कि हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहली बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दिस में फोस्टर ग्रीड फॉर और टीच द पर्सन टू बी बैड इन ऑर्डर टू बी रिवॉर्डेड फॉर गुड बीइंग गुड, ये भी एक बड़ी डेंजरस चीज इसमें हो जाती है कि इंडिविजुअल को पता है कि वो कोई अच्छा बिहेवियर करेगा तो उसको कोई उसके डिजायरेबल स्टिमुलस मिलेगा, तो वो डिजायरेबल स्टिमुलस पाने के लिए ये भी तो हो सकता है वो जानबूझ के जो है खराब बिहेवियर करे, ताकि जो है उससे जिसको एक्सपेक्टेशन है उससे कि अच्छा बिहेवियर करे तो उसको कुछ दे तब वो अच्छा बिहेवियर करेगा, मतलब कर भी सकता है तो भी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसने ये लर्न कर लिया है कि अच्छा बिहेवियर तब करना चाहिए जब कुछ मिलेगा, ये भी है। फिर तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे हिसाब से वो ये है कि क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रीइंफोर्समेंट मिल रहा है बार बार, तो उसका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा, इंडिविजुअल का इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहेगा वो उस काम को करने के लिए। तो जैसे मैं बार बार इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टीन की चादर है, तो टीन की चादर के नीचे आग लगा दो तो वो गर्म हो जाएगी, आग हटा लो फिर वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, बर्फ की सिल्ली के ऊपर रख दो एकदम ठंडी हो जाएगी, बर्फ की सिल्ली हटा लो फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगी, मतलब उसके अंदर अपने कुछ नहीं है टीन की चादर के अंदर। सूरज है, सन को कहीं से हीट नहीं चाहिए होती है, वो उसके अंदर से हीट जनरेट हो रही होती है और बाहर रेडिएट कर रहा होता है। सो द पर्सन आइडियली शुड बी लाइक ए सन, इंटरनली मोटिवेटेड, नॉट लाइक ए टिन शीट कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुझे कुछ मिलेगा तब मैं डिजायर्ड बिहेवियर करूंगा, वरना मैं वो डिजायर्ड बिहेवियर या तो करूंगा ही नहीं या बैड बिहेवियर करूंगा ताकि मुझे डिजायर्ड बिहेवियर के लिए कुछ रिवॉर्ड मिले। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। तो ये भी देखा जाता है कि जैसे कोई बच्चे गेम खेलना एंजॉय कर रहे हैं और हम उसको जो है रिइंफोर्स करने लग जाएं किसी चीज़ से, तो उनका गेम से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ पाने के लिए कर रहे हैं,
और जब हम कोई चीज इंटरनली एंजॉय करके करते हैं उसकी क्वालिटी हमेशा हायर होती है कंपेयर टू कि हमें कुछ हासिल करना है इसलिए करें, क्योंकि वो चीज जैसे ही हासिल होगी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे कोई गेम इसलिए खेल रहा है कि उसे पैसा कमाना है, ठीक है कमा सकता है नो डाउट, अब पैसा उसके पास में खूब आ गया मान लो, तो अब उसका गेम से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जो उसको चाहिए था मिल गया, अब वो गेम क्यों मन लगा के खेलेगा। लेकिन वही इंसान अगर गेम से सिर्फ प्यार करता था तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट इन एनी केस होना ही था, चाहे वो पैसे के लिए गेम खेल रहा था या गेम से प्यार होने की वजह से खेल रहा था, इन ईदर केस पैसा तो आना ही था। तो जिसको गेम से प्यार था वो पैसा आने के बाद भी मोटिवेटेड रहेगा और करता रहेगा। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो आज यहीं तक रखते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। No questions. Okay.